तो आप लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद हमें नहीं थी कि जब क्रांति सब अगस्त क्रांति के दिन आप अगस्त क्रांति के दिन नारा लगाते हुए वो बात हटा दिए और नया नया नारा लगाते हुए लोगों को आपने गुमराह करने का कोशिश किया। हमारे बात साफ है, हमारा बात साफ है सर, क्विट इंडिया होना चाहिए, क्विट इंडिया होना चाहिए, सांप्रदायिकरण से क्विट इंडिया, ध्रुवीकरण से क्विट इंडिया, भगवाकरण से क्विट इंडिया, क्विट इंडिया हमें करना ही पड़ेगा। आजादी के शाम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम ना होने देंगे। बची रहे एक बूंद लोहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। मैं सिर्फ ये कहना चाहते हैं, सर प्रधानमंत्री जी को सम्मान के साथ ये कहना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर के दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूरी है महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए थे। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। सर ये मांग कोई गलत मांग नहीं है, मणिपुर के आम लोगों की मांग था। सर शेक्सपियर की एक मैकबेथ एक लेख है, मैकबेथ को सर ये टायरेंट कहा जाता था, एक टायरेंट किंग मैकबेथ, अत्याचारी राजा। तो मैकबेथ के अत्याचार देखते हुए शेक्सपियर ने बड़े दुख जताई थी और कह रहे थे कि स्कॉटलैंड में जिस तरीके की हमला हो रहे हैं, जिस तरीके की दुर्दशा देखे जाते हैं, तो उसमें बड़ी दुख के साथ एक कोई शब्द लिखे थे, इट वीप्स इट ब्लीड्स एंड ईच डे ए न्यू ए गैस इज एडेड टू द ओन्स, ईच न्यू मॉर्निंग न्यू विडोज हाउल, न्यू ऑर्फेंस क्राई, न्यू सोरोज स्ट्राइक द हेवन इन द फेस। हमें भी लगा कि मणिपुर के हालात ऐसा ही है, जहां लोगों की मन में कोई चैन शांति कुछ नहीं थी, सारे मणिपुर यही तो बात है, आप समझ नहीं सकते। अनारस के साथ बनारस की तुलना मत किया करो, चाना के साथ बेदना की तुलना मत किया करो, बुलक के साथ हिलक की तुलना मत किया करो। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन मणिपुर के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, कहां से छत्तीसगढ़ लाए, कहां से राजस्थान लाए, कीजिए ना। लेकिन मणिपुर की दंगा ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मणिपुर की दंगा एक जाति दंगा के रूप में एक सिविल वॉर की तरह सारे देश दुनिया में चर्चा के मुद्दे बन गए। आप जब यूरोप में गए थे, फ्रांस में,
जहां आपको पुरस्कार मिला था, खुशी हुई हम लोग आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार में। उस समय भी यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मणिपुर की मुद्दा चर्चा में थे, अमेरिका में भी ये मुद्दा चर्चा में थे। तो हमारी तरफ से ये बार बार समझाने की कोशिश ये किए गए थे कि मणिपुर का मणिपुर इश्यू कैनॉट बी कन्फाइन टू एनी स्टेट और एनी नेशन। इट ऑलरेडी एज्यूम्ड ए ग्लोबल डायमेंशन। दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर इंटरवेंशन इज इंडिस्पेंसिबल इज कॉल फॉर। दैट वॉज आवर आर्गुमेंट। देयर इज नो हार्म ऑफ इट। सर बात यह है कि मणिपुर में क्या देखा, मणिपुर में हमें देखा कि हमारे घर की मां बहन को वस्त्रहीन हालत में विवश करके उनके ऊपर हमला हो रहे हैं, बलात्कार की घटना घट रही है। तो मुझे एक बार ये बोलने का इच्छा हो रहे हैं कि जब राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधार रहते थे, उस समय द्रौपदी की वस्त्रहरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं। तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की वस्त्रहरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर हस्तिनापुर में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइदर वॉर साइड से बहस को शांति से सुना जाए। हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात किया जाएगा। आपने समय दिया सर, इसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता, मगर माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पा रहे। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री जी के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दा पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहां हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर इनको माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया। जैसे गृहमंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर? चुनाव से लेकर सर ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन लोन तो इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला सर। सदन के अंदर मेटाफोरिकली नेता लोन कौन दिया, लोन कौन दिया बोलिए। कोई गलत, अरे अजीर बाबू लोन कौन दिया बताइए। आपके एसी के ऑफिस से फोन करके लोन दिलाया नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर ही रहता था। उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले
सर बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए, प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर आप बड़े पे बोलिए, बड़े दावे की जात कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग भयभीत हो रहे हैं, ये हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर कूनो फोर्स की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते, संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं हुई है, यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो दो एमपी है, मणिपुर के दो एमपी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक एमपी डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी कल जी आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने, आपने कहा था कल याद कीजिए कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, याद कीजिए। आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं, बफर जोन कहाँ बनते, लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते, इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकी लैंड और अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, प्लीज कंक्लूड सर, कैसे ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था, मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड इनटू ए जियोग्राफिकल डिलिनेशन ऑफ द टू वॉरिंग फैक्शन, इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर, आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है, आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी, ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी, 33 साल में हुई थी। सर रूल 352(5) सर रूल 252(5) सर, कांग्रेस की जमाने में कांग्रेस की जमाने इन हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, इसको एक्सपेंड करना, प्राइम मिनिस्टर इज द हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपेंड करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर, ऐसा नहीं चलता है सर। सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है पंडित देव जी, बोलिए ना सर 352 अहंकारम 352(5) सर बलम दर्पम टू द फैक्ट मैटर ऑन व्हिच द जुडिशियल डिसीजन इज पेंडिंग सेकंड सर, मैं ये सब प्रेफर नहीं करता हूँ, पांचवा नंबर पर यह है रिफ्लेक्ट अपॉन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन इशू हाई अथॉरिटी अनलेस द डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द सब्सटेंशियल मोशन ड्रॉन इन प्रॉपर टर्म, कोई मोशन मूव नहीं किया है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड, ही शुड आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक